नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर, स्लो मोशन पिक्चर अगर किसी पैनल में आती है तो उसका कोई सॉल्यूशन बताइए। आज मैं आपको स्लो मोशन की प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन दे देता हूं। किसी भी पैनल में भले ही सिंगल कॉफ का हो या डबल कॉफ का हो या मल्टी कॉफ का हो, उसमें स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे ठीक करें, आज मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट बता देता हूँ। आज के बाद ये स्लो मोशन की प्रॉब्लम आपको कभी परेशान नहीं करेगी। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो बड़े सेट होते हैं, बड़े सेट में दोनों तरफ साइड कॉफ लगे होते हैं, उसमें आती है। आ किसी भी पैनल में सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम दोनों तरफ डबल साइड कॉफ वाले पैनल में आती है। तो इसके लिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा, उसको देखकर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि ये आखिर होता क्यों है स्लो मोशन का प्रॉब्लम। देखिए, किसी भी स्केलर में एक ऑड और एक इवन दो पॉइंट होते हैं। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ये क्या है? ऑड इवन का मतलब है VGH VGL, VGH VGL, यानी VGH और VGL। VGH का काम है चित्र बनाना। गौर कीजिए मेरी बात पर कि चित्र बनाने का काम करता है VGH। जब भी कोई चित्र हमें दिखाई देता है तो VGH ने चित्र बनाया, 27 वोल्ट आए, चित्र बन गया। अब अगला चित्र तब आएगा जब ये मिटेगा, इसको मिटना पड़ेगा तब ये अगला चित्र आएगा। तो इसको मिटाने का काम करेगा VGL, इसको मिटा दिया, फिर यहीं आएगा VGH, तो नया चित्र बना और इसको मिटाने का काम करेगा ये VGL, यानी VGH VGL VGH VGL। मैं आपको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने रचना कर दी, विष्णु जी ने पाला और महेश जी ने उसकी नाश कर दिया। बस यही है VGH और VGL। VGH ने उसको बनाया, VGL ने मिटाया, तब हमें चलचित्र दिखाई देगा। मेरी बात को गौर से सुनिए, समझ गए होंगे आप कि एक चित्र आएगा, जब वो जाएगा तब दूसरा चित्र आएगा, तभी तो हमें चलचित्र दिखाई देंगे। मान लीजिए मैंने एक हाथ ऐसे किया तो ये आया, फिर ये मिटा, फिर इधर आया, फिर मिट गया, फिर इधर आया, ये मिट गया, फिर इधर आया, फिर मिट गया, फिर इधर आया, तब जाके हमें ये हाथ ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा। तो यही प्रक्रिया VGH और VGL के द्वारा पैनल में होती है। तो दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको VGH और VGL वोल्टेज मिलते हैं, एक पर प्लस 27 वोल्ट और दूसरे पर माइनस 6 वोल्ट। तो प्लस माइनस होते हैं, चित्र बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं, इस तरह से हमें चलचित्र दिखाई देते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इस हाथ को ऐसे जाना है तो ये आपको ऐसे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, धीरे 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 धीरे, इसको कहते हैं हम स्लो मोशन। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें? सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम का पूरी जड़ को देखना होगा कि इसको VGH और VGL कौन सी IC जनरेट करती है। तो हमने उसको बारीकी से देखा तो पता लगा ऑड और इवन, इसे कहते हैं हम ऑड इवन, VGH और VGL तो इसको कहते हैं ऑड इवन। इसको चलाने वाली IC है लेवल शिफ्टर IC। तो लेवल शिफ्टर IC से वहाँ का कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है, तब जाकर ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे रिपेयर करें? VGH और VGL दोनों के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो गई तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आज मैं आपको सारे पैनल दिखा देता हूँ, हर पैनल में क्या क्या समस्या आती है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं। अगर दोनों तरफ साइड कॉफ वाला पैनल है तो उस पैनल को कैसे रिपेयर करेंगे, सिंगल कॉफ वाले पैनल में ये प्रॉब्लम आई तो कैसे रिपेयर करेंगे, डबल कॉफ में प्रॉब्लम आई तो कैसे रिपेयर करेंगे, आज आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, इसको देखकर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों,
ये दो पैनल के चित्र मैंने बनाए हैं। एक पैनल ऐसा जिसमें एक ही तरफ गेट कॉफ है और दूसरा पैनल ऐसा जिसमें दोनों तरफ गेट कॉफ हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। सोर्स कॉफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोर्स कॉफ भले ही चार हों, एक हो, दो हों, कितने भी हों, उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस गेट कॉफ देखना है किस साइड हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड हैं या केवल एक ही साइड है। और कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनमें गेट कॉफ होते ही नहीं। तो आज मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। तीनों में स्लो मोशन का प्रॉब्लम अगर आया तो वो कैसे ठीक होगा। तो पहले हम सिंगल साइड गेट कॉफ वाले पैनल की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक ही तरफ गेट कॉफ हैं। इस पैनल में अगर स्लो मोशन की प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, तो ये सारे सॉल्यूशन अगर हम जान गए तो पैनल के मास्टर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये चीज़ आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम रामबाण फॉल्ट है, जो मेरे सामने फॉल्ट आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, एक तरफ साइड कॉफ वाले पैनल में हमें क्या करना है, हमें इस गेट कॉफ की डाटा शीट निकालनी होगी। आप इसको जूम करके देखिए, इस गेट कॉफ पर एक नंबर होगा, सभी गेट कॉफ एक ही नंबर के होंगे। किसी भी एक की डाटा शीट निकाल लीजिए। डाटा शीट निकालने के बाद हमें उसके पॉइंट्स का पता लग जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट किस काम के हैं। उनमें हमें देखना है VGH और VGL। आप VGH और VGL वाले दो पॉइंट देख लीजिए। VGH VGL से जंपर उठाकर स्केलर बोर्ड में जहाँ VGH VGL हो वहाँ जंपर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे एक तरफ गेट कॉफ वाले पैनल में क्या करना है अगर स्लो मोशन का प्रॉब्लम आता है। तो हमें VGH VGL स्केलर बोर्ड से उठाकर बाईपास कर देने हैं। ये तो था सिंगल साइड वाले गेट कॉफ में। अब मान लीजिए डबल साइड वाले गेट कॉफ वाला पैनल आया, अब क्या करें, ये बड़ी समस्या है। इसमें तो सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कोई नहीं कर पाता। आज मैं आपको वो रामबाण सॉल्यूशन दूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा। अब देखिए, मैं जो बात बोलूँगा उसको गौर से सुनिए। स्लो मोशन की पिक्चर इस पैनल में आ रही है। अब हमें एक बात पर गौर करना होगा कि स्लो मोशन की प्रॉब्लम इस साइड ज़्यादा है या इस साइड ज़्यादा है। मेरी बात पर विशेष गौर करना। स्लो मोशन तो पूरी स्क्रीन पर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा किसी एक ही तरफ होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। पूरी स्क्रीन में स्लो मोशन की पिक्चर आएगी लेकिन विशेष तौर पर हम गौर से देखेंगे तो किसी एक साइड हमें ज़्यादा स्लो दिखेगी और दूसरी साइड थोड़ी सी ठीक नज़र आएगी। अब हमने पकड़ लिया चोर को। मान लीजिए इस साइड ज़्यादा स्लो है और इस साइड कम स्लो है, तो हम समझ गए इस साइड से पंगा है, यहाँ से फॉल्ट है। अब आपको वो सॉल्यूशन दूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया हुआ। अब एक टेस्टिंग और बताता हूँ आपको। आप अपनी उंगली को थोड़ा सा जीप पर टच करके गीला कर लीजिए और जिस साइड ज़्यादा स्लो पिक्चर है उस साइड आप उंगली से पीछे उसके पॉइंट्स पर टच कीजिए, कॉफ को हिलाइए। यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया। जैसे ही टच करेंगे पिक्चर में हलचल पैदा होगी और इस साइड करने से पिक्चर में कोई हलचल नहीं आएगी। अब हमने कन्फर्म होकर ये पता कर लिया कि यही फॉल्ट है, इसी साइड फॉल्ट है। अब इसको दूर कैसे करें, दूर करने का वो तरीका दूंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपने ये कन्फर्म कर लिया कि यहाँ से फॉल्ट है, इस साइड से ज़्यादा स्लो पिक्चर है, इधर कम स्लो है। दूसरा, इधर आपने उंगली से प्रेस किया, पुश किया तो पिक्चर में कुछ ना कुछ हलचल पैदा हुई, वाइब्रेशन हुआ। अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अब आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इस
गेट कॉफ को, इस गेट कॉफ को और इस गेट कॉफ को जड़ से उखाड़ फेंकिए। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, आप इन तीनों गेट कॉफ को निकाल दीजिए बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि ये गेट कॉफ निकाल दिए, पिक्चर कैसे सही होगी? दोस्तों, पिक्चर इन गेट कॉफ से चलेगी। आप एक बार करके देखिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ये मेरा आजमाया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ फॉल्ट फाइंडिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन गेट कॉफ्स को निकाल दीजिए, आपका सेट 100% ओके हो चुका होगा। ये मेरा रिपेयरिंग करने का तरीका है। मैं नए नए जुगाड़ खोजता रहता हूँ और इसी तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता रहता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं तीसरे पैनल की ओर। इस पैनल में कोई गेट कॉफ नहीं है, ना इस साइड ना इस साइड। जिस पैनल में गेट कॉफ नहीं होता उसमें लेवल शिफ्टर आईसी होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका भी आज आपको कारण बता देता हूँ कि गेट कॉफ भी लेवल शिफ्टर आईसी ही होती है। अब बिना लेवल शिफ्टर आईसी के कोई पैनल आज तक नहीं बना। तो किसी पैनल में यहाँ गेट कॉफ है, किसी में यहाँ गेट कॉफ है, ये समझ लीजिए। या किसी पैनल में यहाँ लेवल शिफ्टर आईसी है, किसी में यहाँ लेवल शिफ्टर आईसी है, बस इतना सा अंतर है दोस्तों। अब लेवल शिफ्टर आईसी किसी में स्केलर में है तो साइड कॉफ नहीं होगा। अब स्केलर में है तो उस आईसी के अंदर वीजीएच वीजीएल जा रहे होंगे। अगर यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ जाते हैं वीजीएच वीजीएल। यही तो है जो हमें समझ में नहीं आता। अक्सर सभी लोग पूछते हैं कि सर इस सेट में लेवल शिफ्टर आईसी होगी या इसमें नहीं होगी, या इसमें गेट कॉफ होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आज आपको बता देता हूँ कि लेवल शिफ्टर आईसी और गेट कॉफ दोनों एक ही चिड़िया के नाम हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब कंपनी के ऊपर है, यहाँ लगा दे या यहाँ लगा दे। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी आईसी का खेल है पूरा, इसी से पूरा ऑड इवन का सिस्टम चलता है। अब ये ऑड इवन कहाँ से और कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए, वीजीएच वीजीएल इसने लिए, यहाँ से निकाल दिए इसने सीकेवी लाइन। अब ये सीकेवी लाइन यहाँ से निकलकर इस सोर्स कॉफ से निकलते हुए अंदर चली गई, इधर वाले सोर्स कॉफ से निकलते हुए कांच के अंदर चली गई। अब इनमें ऑड इवन का खेल शुरू होता है। ये है ऑड, ये है इवन। इस पर आएगा एक बार वीजीएच, इस पर आएगा वीजीएल, इस पर आएगा वीजीएच, तो इस पर आएगा वीजीएल। दोनों अल्टरनेट एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऐसे ही वीजीएच वीजीएल वीजीएल वीजीएच वीजीएच वीजीएल वीजीएल वीजीएच, इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है, हर सेकंड बदलते रहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ आती है इस आईसी से, ये आईसी इनका कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर देती है। तो कभी कभी स्लो मोशन की प्रॉब्लम के लिए ये आईसी जिम्मेदार होती है, ये आईसी ख़राब हो जाए तो ऐसी कंडीशन बनती है। अगर इस तरह के पैनल में आपको स्लो मोशन का प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आप लेवल शिफ्टर आईसी को बदल दीजिए। लेकिन कभी कभी दोस्तों ग्लास के अंदर शॉर्टिंग होने के कारण स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ जाती है, उस कंडीशन में लेवल शिफ्टर आईसी बदलने से भी काम नहीं चलता। उस कंडीशन में हमें जुगाड़ लगानी होती है। कैसी जुगाड़? देखिए, मैं आपको एक रामबाण सॉल्यूशन बता देता हूँ इस प्रॉब्लम का। हमें ऑड और इवन दोनों को कट कर देना है। यहाँ से स्केलर से ग्लास में जाने वाले ट्रैक उनको हमने कट कर दिया, एक ब्लेड से यहाँ से काट दिया, दूसरे वाले को यहाँ से काट दिया, दोनों कट हो गए। अब देखिए, जो ट्रैक ग्लास के अंदर जा रहे हैं, कॉफ के अंदर से ग्लास में प्रवेश कर रहे हैं, उन ट्रैक्स पर हमें काम करना है। यहाँ से कट कर दिए तो लेवल शिफ्टर आईसी से ऑड इवन का कनेक्शन कट। अब हमें क्या करना है, जहाँ वीजीएच और वीजीएल हैं वहाँ से एक एक जम्पर उठा लेना है। और वीजीएच मान लीजिए ऑड का पॉइंट ये था, इस पर दे दिया, वीजीएल दे दिया इवन पर। गौर से सुनना मेरी बात को, वीजीएच और वीजीएल से एक एक जम्पर उठाए, इन दोनों को ऑड और इवन के
उन पॉइंट्स पर दे दिया जो काटने के बाद ग्लास साइड जा रहे हैं, उन पर जोड़ दिया। अब चला के देखिए क्या पिक्चर सही हुई। अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो उनको पलट दीजिए। जहाँ VGH जोड़ा था वहाँ VGL कर दीजिए, जहाँ VGL जोड़ा था वहाँ VGH कर दीजिए। आपका काम 100% सॉल्व होगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये वीडियो और ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा। आप इस तरह से काम करते जाइए। ये पैनल चुटकी बजाते ही ना रिपेयर करा दूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं आपको पैनल का हर फॉल्ट बनाना बताऊंगा। हम अपनी ट्रेनिंग में यही सिखाते हैं, इसी तरह के लाइव प्रैक्टिकल। पहले हम स्लाइड दिखाते हैं, थ्योरी दिखाते हैं, थ्योरी के बाद उसका पूरा प्रोसेस वर्किंग प्रिंसिपल सचित्र चित्र सहित दिखाते हैं, फिर मैं खुद करके फॉल्ट उसको सॉल्व करता हूँ, फिर दिखाता हूँ, फिर स्टूडेंट्स के हाथ से कराते हैं। बताइए कहाँ बचेगा फॉल्ट। सारा प्रोसेस दिमाग में बस जाएगा, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, इसी तरह काम करना है। और 9 अक्टूबर से हमारी एक विशेष ट्रेनिंग शुरू होने वाली है ऑफलाइन की। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना हो तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। पूरे देश भर से हमारे पास स्टूडेंट्स आने वाले हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो केवल 500 रुपये पे करने हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 9 अक्टूबर को आइए। ऐसी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। रहने खाने की सारी व्यवस्था हम मैनेज कराएंगे, आपको तो बस एक कागज़ और पेन लेकर आना है और बस आ जाइए अपने कपड़े लेकर। सारी व्यवस्था हम मैनेज कराएंगे और देखिए फिर चमत्कार। 7 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर जो चेंज आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जिस शहर से हैं उस शहर में आपके सामने दूसरा नहीं टिकेगा। ऐसे ऐसे हम फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताएंगे। जब आप अपने हाथ से सारे फॉल्ट सॉल्व कर लेंगे तो कहाँ बचेगी कोई प्रॉब्लम। मेरे पास बॉन्डिंग मशीन है ये, लेकिन दोस्तों मैं 90% फॉल्ट बिना बॉन्डिंग के बनाता हूँ। आपको भी यही तरीका दूंगा कि बिना बॉन्डिंग के, जब कॉफ जला है तभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कॉफ चेंज करने में। बाकी स्केलर हम पूरा रिपेयर करने का तरीका आपको बताएंगे। कॉफ जला है तो उसकी रिपेयरिंग करने की भी, जब तक उसमें अंतिम सांस है उसको रिपेयर करेंगे। जब बदलने की ही नौबत आई तभी बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। ऐसी ट्रेनिंग आपको देंगे कि आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी, वो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। हमारी पूरी टीम आपको ट्रेनिंग देगी। 7 दिन का क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को सीख पाए। हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।